साथियों, अभी लॉकडाउन में जितना हम लोग आप लोगों को मिस कर रहे हैं, उतना ही हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी चंद्रा एकेडमी डायरेक्ट क्लास के माहौल को मिस कर रहे होंगे। एक बात याद रखना प्यारे साथियों, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप अपना कोशिश जारी रखिए। आइए साइंस पढ़ते हैं। तो आज साइंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, कहने का मतलब रुधिर समूह की वंशानुगति। यदि प्रश्न में माता पिता का ब्लड ग्रुप दिया है, तब आपको दो प्रश्न इसमें से बनते हैं। एक तो निम्न में से कौन सा उनके होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन इसको याद नहीं कर सकते। यदि आप एक बार समझ गए तो इससे संबंधित कितना भी जटिल क्वेश्चन पूछे, आप विश्वास रखिए बना लोगे। ठीक, तो देखिए, यदि प्रश्न में दिया है यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक, और माता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो होने वाले संतान का ब्लड ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकती, ये आपको बताना है। तो देखिए, मनुष्य में क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं, जोड़ी में पाए जाते हैं, और यहाँ पर बनाने का तरीका ए और ओ, ये सिंगल है, इसको डबल बनाना है। जो जो सिंगल रहेगा उसको आपको क्या करना है, डबल बनाना है। तो डबल बनाने के लिए ओ यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, अब इसका गुणा करना है। ए का गुणा ओ से तो क्या हो जाएगा, ए ओ। ए का गुणा इस ओ से तो क्या हो जाएगा, ए ओ। ओ का इससे तो क्या हो जाएगा, ओ ओ। इस ओ का इससे तो क्या हो जाएगा, ओ। अब जितने भी सिंगल ओ है उसको काट देना है, ये ओ कट गया, ये कट गया, तो यहाँ क्या हो गए, ब्लड ग्रुप ए और क्या हो गए, ओ। तो यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ओ है, तो ब्लड ग्रुप ए होने का कितना प्रतिशत चांस है, 50%। ब्लड ग्रुप ओ होने का कितना प्रतिशत चांस है, 50%। तब यदि माता का पिता का ब्लड ग्रुप ए, माता का ओ, तो होने वाले संतान का ब्लड ग्रुप कौन कौन से हो सकता है जी, ए एवं ओ हो सकता है, और कौन कौन से नहीं हो सकता, तो बी नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता। तो प्रश्न यही पूछेगा कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ओ है, तो बताइए निम्न में से होने वाले संतान का ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है। तो आपको क्या ऑप्शन देखना है, ए और ओ। कौन सा नहीं हो सकता, तो क्या नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता। आइए आप कुछ क्वेश्चन हल करते हैं, ये समझ में आया, ठीक, धीरे धीरे ये पूरा समझ में आ जाएगा। आप घर में इसको एक दो बार बनाने का प्रयास करना, पूरा बन जाएगा। और यदि आपसे नहीं बनता है तो तुरंत हमें फोन करके मैसेज करके बताना है कि कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है। जब आप अपनी समस्या बताएंगे तभी हम हल कर पाएंगे। तो हमारी पूरी टीम का प्रयास रहेगा आपके लिए अच्छा से अच्छा, जो हम कर सके हम उतना करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है और माता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो होने वाले संतान का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ये हल करना है। ठीक, तो देखिए, ए बी तो यहाँ डबल है, ठीक, ओ सिंगल है, तो यहाँ क्या करेंगे, ओ करेंगे। अब इस ए का गुणा ओ से तो क्या हो जाएगा जी, ए ओ। इस ए का गुणा ओ से तो क्या हो जाएगा, ए ओ। बी का गुणा ओ से तो क्या हो जाएगा, बी ओ। बी का गुणा ओ से तो क्या हो जाएगा, बी ओ। अब क्या करते हैं, ओ ओ को सिंगल ओ को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी ए ब्लड ग्रुप हो सकता है बी। ए का कितना प्रतिशत चांस, यहाँ पर भी 50%। बी का कितना चांस, 50%। तो यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ओ है, तो होने वाले संतान का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, ए एवं बी। और क्या नहीं हो सकता, तो क्या नहीं हो सकता, ए बी नहीं होगा एवं ओ नहीं हो सकता, और ए भी क्या है, हो सकते हैं। समझ में आया, ठीक। और एक क्वेश्चन हल करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा।
यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है तो होने वाले संतान का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ ए और बी दोनों सिंगल है तो क्या करेंगे, ओ, यहाँ पर भी ओ, अब गुणा कर देना है, ए का गुणा बी से तो क्या हो जाएगा ए बी, ए का गुणा ओ से तो क्या हो जाएगा ए ओ, बी का ओ का बी से तो क्या हो जाएगा बी ओ, ओ का गुणा ओ से तो क्या हो जाएगा ओ। अब क्या करते हैं, जितने भी सिंगल ओ है उसको क्या कर देना है, काट देना है। ठीक, अब देखिए ये एकमात्र कंडीशन है जिसमें माता या पिता दोनों में से एक का ब्लड ग्रुप ए हो और दूसरे का बी हो तो चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ये एकमात्र कंडीशन है। देखिए यहाँ ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है, और कितने कितने परसेंट चांस है तो इसका भी 25% चांस, इसका भी 25, बी का भी 25 और ओ का भी 25। तो यहाँ पर यदि माता या पिता एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का क्या है बी है तो होने वाले संतान का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है जी, सभी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ हो सकता है। ठीक, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, बन जाएगा ऐसा वाला क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब अगला कंडीशन, यदि माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है तब आपको कैसे बनाना है, यदि पिता का भी ब्लड ग्रुप ए है माता का भी ब्लड ग्रुप ए है तब आपको कैसे बनाना है। देखिए दोनों का ब्लड ग्रुप ए ए है और दोनों सिंगल है तो क्या करोगे, यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो। ठीक, इतना, अब इसका गुणा ए से तो ए ए, इसका गुणा ओ से तो ए ओ, ओ का गुणा ए से तो ए ओ, अब ओ का गुणा ओ से तो कितना ओ। अब जितने भी सिंगल ओ है उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों यहाँ ब्लड ग्रुप ए होने का चांस कितना है, 75%, ब्लड ग्रुप ओ होने का चांस कितना है, 25%, याद रखना है। तो होने वाले संतान का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, ए एवं ओ, और क्या नहीं हो सकता जी, तो बी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। अब इसी को आप घुमा दे, माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए है तो होने वाले बच्चे में, होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होने का चांस सर्वाधिक है, तो क्या सर्वाधिक है, ए होने की चांस सर्वाधिक है, कितना परसेंट, 75%, और ओ होने का चांस कितना है, 25%। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा वाला क्वेश्चन बना लोगे। ठीक, अब आपको कमेंट करके बताना है, कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ उसको आपको हल करके बताना है। यदि पिता का ब्लड ग्रुप ओ है और माता का ब्लड ग्रुप बी है तो बताइए होने वाले संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बनाइए। दूसरा क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन टू, यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है और माता का ब्लड ग्रुप ए है तो होने वाले संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये बना के बताना है आपको। तीसरा क्वेश्चन, यदि पिता का ब्लड ग्रुप ओ है और माता का ब्लड ग्रुप ए बी है तो बताइए होने वाले संतान का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है और क्या नहीं होगा, बता के बताना है आपको, बनाइए।
स्क्रीन शॉट लीजिए, आप घर में बताना है और उसका आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक, आए हुए क्वेश्चन को हल करते हैं। आए हुए क्वेश्चन, ठीक लिख रहा हूं मैं, आप बनाने का प्रयास करना। एक विवाहित दंपत्ति ने एक बच्चे को गोद लिया, कुछ वर्षों बाद उन्हें जुड़वा बच्चे प्राप्त हुए, यदि उस दंपत्ति में से एक का ब्लड ग्रुप, एक का ब्लड ग्रुप ए बी एवं दूसरे का ब्लड ग्रुप ओ है तो बताएं गोद लिए बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या। ऑप्शन ए में ए, बी में बी, सी में ओ और डी में ए। ठीक, प्रश्न ये कह रहा है कि एक विवाहित दंपति ने एक बच्चे को गोद लिया, कुछ वर्षों बाद उन्हें जुड़वा बच्चे प्राप्त हुए, यदि उस दंपति में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का ब्लड ग्रुप ओ है तो बताइए गोद लिए बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, गोद लिए बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बनाइए। आइए बनाने का प्रयास करते हैं। विवाहित दंपत्ति में से एक का ब्लड ग्रुप क्या दिया है जी, ए बी दिया है, दूसरे का ब्लड ग्रुप क्या दिया है, ओ दिया है, ओ दिया है। तो देखिए यहाँ ए बी तो डबल है, ओ क्या है सिंगल है, तो यहाँ क्या करोगे ओ। अब इस ए का इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा ए ओ, इस ए का फिर इस ओ से गुणा करोगे तो ए ओ, बी का गुणा ओ से करोगे तो बी ओ, बी का गुणा ओ से करोगे तो बी ओ। अब जितने भी क्या है सिंगल ओ है उसको क्या कर देना है, काट देना है। ठीक, तो देखिए इस ए का ब्लड ग्रुप ए होने का चांस कितना है 50%, बी होने का चांस कितना है 50%। अब ऑप्शन में देखिए,
तो ये ब्लड ग्रुप ए एवं बी तो उसके क्या हो जाएंगे, उसके संतान हो जाएंगे, सगे संतान हो जाएंगे, ठीक, उसका जुड़वा बच्चों का हो जाएगा। तो ए हो सकता है क्या गोद लिए बच्चे का ब्लड ग्रुप? नहीं। बी हो सकता है क्या? नहीं। ओ हो सकता है क्या? हाँ, ओ हो सकता है, और इनमें से कोई नहीं। जब ऑप्शन इनमें से कोई नहीं कब लेना है? जब दिए गए प्रश्न में वह नहीं है तब लेना है। तो यहाँ क्या हो सकता है, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? ओ हो सकता है। ए और बी तो हो ही नहीं सकता गोद लिए बच्चे का, क्योंकि ए और बी किसका होगा? उसके जो जुड़वा बच्चे हैं उनका है। तो गोद लिए बच्चे का ब्लड ग्रुप इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो सकता है? ओ। आया हुआ क्वेश्चन है और आंसर भी किसको लिया है? ओ। तो इस रुधिर समूह की वंशानुगति से संबंधित सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब खुद घर में बनाने का प्रयास करना, खुद से प्रश्न बनाना, नहीं बने तो कमेंट करके बताना है। आइए एक क्वेश्चन और बताइए इससे संबंधित। यदि माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है, ओ है, नहीं, यदि दंपत्ति में से एक का ब्लड ग्रुप ओ है और दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है, तो बताइए उनके संतान का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? तुरंत बनाने का प्रयास करो। घर में बना के आंसर बताना है ना, हमें कैसे पता चलेगा कि हम आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत आप घर में अपनी ईमानदारी से कर रहे हो? तो इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करना, और जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसको ईमानदारी से बनाने का प्रयास करना, क्योंकि कहा जाता है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो आप भी अपने पढ़ाई पर ईमानदार बनिए और अपनी मंजिल को पाइए। आइए बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ ओ सिंगल है तो यहाँ ओ लिख देंगे, बी सिंगल है तो यहाँ लिख देंगे। अब इसका गुणा बी से तो क्या हो जाएगा? ओ बी। इसका गुणा इससे तो ओ ओ। इसका गुणा इससे तो ओ बी, और इसका गुणा इससे तो क्या हो जाएगा? ओ। अब जितने भी सिंगल है उसको क्या करोगे? काट दोगे, ठीक। तो देखिए दो बी है और दो ओ है, तो बी होने का चांस कितना? 50%, और ओ होने का चांस कितना? 50%। तो आप घर में बनाना और हमें बताना कि आपसे कहां दिक्कत हो रहा है और बनेगा कि नहीं ऐसे क्वेश्चन, ठीक। जय श्री राम साथी।